विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ कंप्यूटर बाबा सभी 28 विधानसभाओं में लोकतंत्र बचाओ यात्रा लेकर पहुंचे थे। कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्यवाही भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम ने आरंभ की है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्यवाही करार दिया है। प्रशासन ने कार्यवाही सुबह 8 बजे प्रारंभ की और कई पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस मामले में कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने कार्यवाही का विरोध किया है। पटेल ने कहा कि यह मंदिर कलोता समाज का है, अगर मंदिर तोड़ा गया तो कलोता समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। इधर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह स्थान गौशाला के लिए दिया गया था, लेकिन तथाकथित बाबाओं ने यहाँ कमरे बना लिए। कंप्यूटर बाबा को कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार करने की खबर भी आ रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है घूमटगिरी के लिए। घूमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलोता समाज का मंदिर है, वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं उसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलोता समाज पूरा रोड पर आएगा, उसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है, हीन भावना है। मैं पुनः पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का कलोता समाज के मंदिर को अगर थोड़ा भी हिलाया गया, एक ईंट भी हिलाई गई, तो संपूर्ण मैं ही साथ में और संपूर्ण कलोता समाज, पूरा देपालपुर विधानसभा ही नहीं, समस्त जिले के कलोता समाज के लोग रोड पर उतरेंगे और उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी प्रशासन को होगी। और इसका जवाब उन्हें देना तो ठीक है, हम ईंट से ईंट बजा के रहेंगे प्रशासन की। ग्राम जमुड़ी हफ्सी में सर्वे नंबर 610/1, 610/2 और सर्वे नंबर 603, इनकी कुल भूमि 46 एकड़ जमीन सन 2000 में जिला योजना समिति के निर्णय के अनुसार गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। कालांतर में आप जैसा कि देख रहे हैं, तथाकथित बाबाओं के द्वारा यहां पर भूमि में अतिक्रमण कर लिया गया और अपने रहने के लिए और AC वगैरह लगा के आरामगाह के रूप में विकसित कर लिया गया। ये शिकायत मिलने पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संबंधित तहसीलदार द्वारा MPLRC की धारा 248 के अंतर्गत उनको प्रॉपरली नोटिस दी गई। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। तहसीलदार द्वारा PWD का आदेश पारित किया गया और नगर निगम तथा पुलिस, ये आज आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे एडिशनल SP, 3 CSP, 3। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।